हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अर्चना हियर। वेलकम यू ऑल टू माय चैनल अर्चनाज मैथ एकेडमी। लेट्स स्टार्ट न्यू चैप्टर, चैप्टर 12, फैक्टराइजेशन ऑफ क्लास 8। ओके, तो सबसे पहले हम ये चैप्टर में पहले तो इंट्रोडक्शन देखते हैं, देन यू विल नॉट गेट इन डिफिकल्टी व्हाइल सॉल्विंग द एक्सरसाइज। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो आपको पता है व्हाट आर द नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 1, 2, 3 एंड सो ऑन, इज इट। तो हम इसके फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं वो पहले देखते हैं। यू हैव लर्न दिस आल्सो। तो सपोज आई एम टेकिंग हियर नंबर, नेचुरल नंबर 30। अब इसके फैक्टर्स जब हमें देखना है तो आपको पता है कि ये नंबर जो है 30, इसके दो फैक्टर तो फिक्स, कोई भी नंबर रहे उसके दो फैक्टर तो फिक्स रहते हैं। कौन से? 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, माने इसके दो फैक्टर्स फिक्स है, 1 एंड 30। अब रिमेनिंग फैक्टर्स हमें देखने हैं, तो हम देखते हैं कि ये 30 जो है कौन से टेबल में आता है। तो आपको पता है इट इज इन टू टेबल, 2 15 होता है, दैट मीन्स 2 × 15 आई कैन राइट, इज इट 3 10 30, सो 3 × 10। आफ्टर दैट इन फोर टेबल, नो, देन 5 5 6 30, इज इट। अब 6 का भी टेबल आ गया है, इज इट इन 7th टेबल, नो, देन 8, नो, देन 9, नो, देन 10th टेबल ऑलरेडी वी हैव रिटेन, आफ्टर दैट 11 12, नो, 13, नो, 14th टेबल, नो, एंड अगेन 15 2s दैट आल्सो वी हैव रिटेन। ठीक है, तो अब इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे ये देखिए। एक तो है 1 तो है ही, ओके, आफ्टर दैट 2, आफ्टर दैट 3, देन 5 6 10 15 एंड नंबर इटसेल्फ दैट इज 30। दैट मीन्स दीज आर द फैक्टर्स। ये क्या है? फैक्टर्स है किसके? 30 के। गॉट इट हियर? हाउ यू हैव टू फाइंड आउट। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट, फैक्टर्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब देखते हैं कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर दिया है तो उसके फैक्टर्स हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज आई एम राइटिंग हियर 5x y। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स आपको पता है 1 तो है ही, ओके, आफ्टर दैट यहाँ पे देखिए 5x y, तो यहाँ पे 5 × x इंटू वाई है, दैट मीन्स और फैक्टर्स क्या हो जाएंगे इसके, 5, फिर एक्स एंड वाई। क्यों? क्योंकि हम इसको कैसे लिखेंगे, 5 × x × y, देयरफॉर 1 तो है ही, देन 5 x and y। नाउ सी हियर दिस 1, इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वी आर नॉट राइटिंग, सो वी आर कंसिडरिंग इट as a factors as a 5 x and y. Got it here? Now if I am taking here algebraic expression, suppose it is 5 x in bracket x plus 3. अब यहाँ पे देखिए, अब इसके factors you cannot say कि इसका factor जो है 5 है, x है and 3 है, no, see that here you can write 5 × x, तो यहाँ पे एक फैक्टर हो जाएगा 5, then into x है, therefore one of that is the x, लेकिन इसके बाद आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि x है और 3 नहीं, ये ब्रैकेट में है, मिडल साइन इज प्लस है, ये मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे साइन है, नॉट इन साइड द ब्रैकेट, तो ये मल्टीप्लाइड टू होल ब्रैकेट, therefore ये आपका होल ब्रैकेट x प्लस 3 ए एक फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो कौन से फैक्टर्स मिले आपको यहाँ पे, 5 x and x plus 3। गॉट इट हियर? नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज फैक्टराइजेशन? फैक्टराइजेशन क्या होता है? तो फैक्टराइजेशन इज द प्रोडक्ट फॉर्म। क्या होता है ये? प्रोडक्ट फॉर्म।
हम मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख सकते हैं उसे बोलते हैं फैक्टराइजेशन. फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन फॉर्म और प्रोडक्ट फॉर्म इज कॉल्ड एज अ फैक्टराइजेशन. तो यहाँ पे भी फैक्टराइजेशन मेथड में डिफरेंट मेथड्स है, ठीक है. तो वन बाय वन हम मेथड्स देखते हैं. तो फर्स्ट मेथड है कॉमन फैक्टर्स. ओके, नाउ आई एम टेकिंग हियर वन एग्जांपल. सपोज 5xy प्लस 10x. अब देखिए हमें कॉमन फैक्टर्स निकालना है इसमें से. ओके, सो देखिए यहाँ पे हम कैसे 5xy को कैसे फैक्टर्स में लिख सकते हैं. 5 इंटू एक्स इंटू वन. ओके, मिडल साइन इज प्लस, देयरफॉर वी विल कीप दिस इन ब्रैकेट. ओके, नाउ हियर 10x. 10 को हम कैसे लिख सकते हैं. 2 इंटू 5 इज इट इंटू एक्स. गॉट इट हियर. अब देखिए ये दोनों ब्रैकेट में से क्या कॉमन है. सो हियर यू कैन सी 5 इज हियर, हियर आल्सो 5. ओके, आफ्टर दैट एक्स इज हियर एंड हियर इज आल्सो एक्स. तो यहां से हम 5x कॉमन निकालते हैं. सो 5x आई एम कीपिंग आउटसाइड द ब्रैकेट. तो रिमेनिंग वी विल कीप इन ब्रैकेट. तो क्या बचा है, यहां से 5x निकाले तो क्या बचा है, ओनली y. हियर दिस मिडिल साइन प्लस एंड व्हाट इज लेफ्ट हियर 2. सो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ दिस. हियर 5x y इन ब्रैकेट y प्लस 2. तो क्या गॉट हियर 5xy प्लस 2. ओके, नाउ सेकंड मेथड इज रीग्रुपिंग टर्म्स. नाउ सी हियर वन एग्जांपल आई हैव टेकन हियर. इन दिस एग्जांपल यू सी दैट हियर यू आर नॉट गेटिंग कॉमन इन ऑल टर्म्स. सभी में से आप कुछ भी कॉमन नहीं निकाल सकते. देखिए यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम सभी चारों टर्म्स से कॉमन निकाल सकते हैं. ओके, तो ऐसे टाइम हम यहाँ पे रीग्रुपिंग करते हैं, ठीक है. तो हमें ग्रुपिंग करना है. तो सपोज आई एम टेकिंग हियर दिस 2 एंड दिस 2. यहाँ कोई जरूरी नहीं है कि हम इसके साथ यही लेंगे. हम 2xy के साथ 3x भी ले सकते हैं. सो वी विल डू दैट ऑल्सो. पहले तो ये देखते हैं. ओके, अब यहाँ पे देखिए ये दो टर्म्स में यहाँ पे 2xy प्लस 2y है, ठीक है. तो यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं ये दो टर्म्स से. देखिए क्या कॉमन, यहाँ पे 2 है तो 2 लिखते हैं पहले. और क्या है, देखिए यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है. सो वी हैव टेकन हियर 2 एज अ कॉमन. इसके बाद x यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है, बट हियर y, हियर ऑल्सो y. तो हम यहाँ पे 2y कॉमन लेते, ठीक है. नाउ वी विल कीप इन ब्रैकेट. अब यहां से ये वाले इसमें से 2xy से 2y तो हमने कॉमन ले लिया. देन व्हाट इज लेफ्ट हियर, x. सो वी विल राइट हियर x. ओके, नाउ हियर प्लस साइन, सो मिडल साइन इज प्लस. नाउ व्हाट इज लेफ्ट हियर, 2y तो पूरा हमने यहाँ ले लिया लेकिन 1. 2y 1 से 2y into 1, therefore 1 we will write here. So you got in bracket x plus 1. अब यहां से देखिए यहां से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, प्लस 3. इज इट, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है. सो वॉट इज लेफ्ट इन ब्रैकेट. देखिए यहां से 3x में से 3 कॉमन लिया तो क्या बचेगा, x प्लस, यहां से 3 हमने कॉमन लिया लेकिन 1 बचेगा. सो x प्लस 1. नाउ सी दैट ये रीग्रुपिंग करने के बाद सी दैट अगेन यू गॉट द फर्स्ट मेथड. यहाँ पे हमें क्या करना है, अब कॉमन लेना है क्योंकि यहाँ दोनों इससे, दोनों टर्म्स से, ये दोनों टर्म्स से x प्लस 1 ये कॉमन है. सो वी विल राइट हियर x प्लस 1, वी हैव टेकन आउट कॉमन. नाउ यहाँ पे क्या बचा है, इन सेकेंड ब्रैकेट वी विल कीप. यहां से क्या बचा है, ये टर्म से बचा है 2y और यहां से बचा है प्लस 3. ओके, सो यू गॉट दिस फैक्टर्स इन ब्रैकेट x प्लस 1 एंड 2y प्लस 3. अब देखिए रीग्रुपिंग में अब हम क्या करते हैं, यही वाला फिर से लिखते हैं. सो 2xy प्लस, अब यहां पे
इसके साथ 2xy के साथ आई एम टेकिंग हियर ग्रुपिंग देयर वी ग्रुपिंग हियर विद 3x एंड दिस 2y प्लस 2y प्लस 3 ओके सी दैट आई हैव चेंज्ड देयर द ग्रुपिंग नाउ यहाँ पे भी हमें वही आंसर मिलता है क्या तो देखते हैं तो हमने ये दो दो का ग्रुप करे हैं अब यहाँ से देखिए व्हाट यू कैन टेक आउट कॉमन सी हियर हियर x is common in both terms so I will take out x so what is left in bracket let's see x yahan se gaya to kya bacha 2y plus here 3 is left okay now come to this group so here what is common you can take here from these two terms nothing is common that means you can take out 1 so I will take out here plus 1 जब कुछ भी नहीं तो 1 तो हम ले सकते हैं ओके नाउ व्हाट इज लेफ्ट इन ब्रैकेट 2y प्लस 3 नाउ अगेन कॉमन फैक्टर मेथड यू कैन टेक आउट दिस कॉमन 2y प्लस 3 सो इन ब्रैकेट 2y प्लस 3 सो इन अदर ब्रैकेट व्हाट इज लेफ्ट हियर यहां से 2y प्लस 3 अगर कॉमन लिया तो क्या बचा है x और यहां से 2y प्लस 3 कॉमन लिया तो क्या बचा है प्लस 1 सी दैट बोथ इक्वल बोथ रीग्रुपिंग इन बोथ रीग्रुपिंग यू गॉट इक्वल फैक्टर्स इज इट माने आप जो रीग्रुपिंग है वो रीग्रुपिंग मे बी पॉसिबल इन मोर देन वन वे आप अलग अलग वे से भी रीग्रुपिंग कर सकते हैं ठीक है सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस मेथड्स Remaining methods we will see in next video. So let's meet in next video. Thank you for watching.